हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम आपके लिए दिल्ली मेट्रो में जो पोस्ट निकली हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन, उसकी एज लिमिट्स, क्राइटेरिया और जितने भी फीस सबमिट है और उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की सारी डिटेल लेके आए हैं। तो अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो में टोटल 1493 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दो तरह की पोस्ट निकली है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ये देखिए, इसमें हमने सारे डिटेल डाल रखी हैं कि किस चीज़ के लिए कितनी पोस्ट निकली हैं। आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी पोस्ट चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अभी लास्ट डेट इसके लिए 13 जनवरी 2020 है। ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए आवेदन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी इस वीडियो में डाली है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आवेदन की तिथि 14 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो चुकी है और 13 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, एज लिमिट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरह की पोस्ट निकली है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट है 18 साल, और 28 साल तक आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो यह 18 साल से लेके 30 साल तक आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 to 28 ईयर्स ओल्ड, और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स ओल्ड। आप देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता। किसी भी स्ट्रीम से स्नातक, बैचलर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है उसके लिए फीस डिटेल्स देख लेते हैं। अब इसकी फीस डिटेल्स हैं, यदि कोई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए फीस आपको फॉर्म के लिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए 500 रुपीज़ सबमिट कराने होंगे। और यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए टोटल 250 रुपये की फीस है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये आपको जमा कराने होंगे। चलिए, अब आपको मैं इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट बता देती हूँ जहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली मेट्रो rail.com पर आपको जाना होगा, और उसके बाद आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन टाइटल में एडवर्टाइजमेंट नंबर DMRC/HR/recruitment/I2019 आपको सिलेक्ट करना होगा, और वहाँ जाकर आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसमें स्कैन फोटो, डॉक्यूमेंट्स और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ में आपके सिग्नेचर भी, सभी के सभी स्कैन मांगे होंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा भी आपको सारे के सारे इसमें अपलोड करने होंगे। उसके बाद इसमें टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, जिसमें 2 टेस्ट होंगे, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका ऑफिशियल लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ऑफिशियल लिंक भी मांग सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो अपडेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी डालते हैं, तो उस और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो, हरियाणा से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए भी हम मंथली करंट अफेयर्स डालते हैं। तो जो भी कोई हरियाणा के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मैथ्स के चैप्टर आपको डिफ्रेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री करना है तो वो भी हमने अपलोड कर रखी है स्पेशली हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।